उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद भर में दो दिन से हो रही लगातार तेज मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के विकास खंड मुनाकोट के जमदड़ी गांव में भारी बारिश के चलते दशरथ सिंह के आंगन की पूरी दीवार गिर चुकी है, जिस कारण अब मकान को भी खतरा बना हुआ है। जबकि अंचलिक क्षेत्र में जल भराव होने से कई वाहन पानी में समा गए हैं, साथ ही क्षेत्र के पुल में भी दरार आ गई है। वहीं जिले की ग्राम सभा सरीकांटा के चंद्र प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि हिसार रोड पिछले 15 साल से खस्ता हालत में पड़ी है, जिस कारण से इस सड़क मार्ग पर कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में भारी बारिश के चलते ग्राम मनगढ़ में 6 मकान और 1 पंचायत घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति का जायजा लेने के लिए जिले के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनको सुरक्षा और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से तेजी से राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वहीं भारी बारिश के चलते थानाध्यक्ष बेरीनाग महेश चंद्र जोशीमय पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो इसके लिए प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने कहा कि प्रशासन सभी प्रभावितों को जल्द से जल्द आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊपर एक खनन लॉट है, हाँ, जो कि बढ़िया खनन लॉट है, उसमें भारी भूस्खलन हुआ है। उसकी वजह से भूस्खलन और पेड़ गिरने की वजह से लगभग 6 मकान ध्वस्त हो चुके हैं और कुछ और मकानों को खतरा है। जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित जगह पर कल ही शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर रेवेन्यू टीम और पुलिस की जो बचाव टीम थी वो रात भर मौके पर थी। अभी हम लोग भी सुबह आए हैं, ग्रामीणों से मिले हैं, जो इनको अहेतुक सहायता और जो भवन ध्वस्त होने पर जो मुआवजा होता है वो हम लोगों ने दे दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो कठिनाई है उसको देखते हुए इनको यहाँ निकटवर्ती स्कूल में शिफ्ट किया जाए या इनको जो किराए की जो व्यवस्था होती है जो आंध्र प्रदेश अंतर्गत है उसके तहत इनको यहाँ पर भी रहने और इसके अलावा इनके भोजन और अन्य जो चीज़ें हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। हमारी टीम यहाँ पर मौके पर बना कर पाएंगे। पिथौरागढ़ जनपद भर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार तेज मूसलाधार बारिश के चलते अब उच्च हिमालय क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। वहीं जिले के निचले इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मुनस्यारी के उच्च हिमालय पंचाचूली हसलिंग छिपला केदार की पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी हुई है। चंपावत के बाद पिथौरागढ़ से भी बादल फटने की घटना सामने आई है। पिथौरागढ़ जिले के बिसाड़ इलाके के गढ़कोट गांव में बादल फटा है। बादल फटने के बाद पहाड़ी से आया मलबा एक घर में घुस गया, जिससे घर में मौजूद महिला और 4 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं महिला के बेटे बहू और पोते ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी मिलते ही पिथौरागढ़ पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव के कार्य में जुट गई है। पिथौरागढ़ से संवाद 365 के लिए मनोज चंद की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।